नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 दिसंबर 2021 आज के लव राशिफल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज का लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, आज चंद्रमा शाम 4:15 पर राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में चंद्रमा 4:15 से मीन राशि के चंद्रमा रहेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और ये नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे राशिफल की। राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए दिन में काफी हलचल होगी, बहुत सारी परेशानियों का सामना होगा, मन अशांत होगा। दिन सुबह के टाइम पे फिर भी ठीक रहेगा लेकिन शाम होते होते और ज्यादा दिन खराब होता चला जाएगा। खास करके डेट पर जाते हैं तो आज का दिन आपके लिए दोपहर का सही हो सकता है लेकिन शाम के वक्त में और परेशानियां होंगी और दोपहर का समय भी कंफ्यूजन भरा हो सकता है। कंफ्यूज रहेंगे कई चीजों को लेकर के, मन अशांत रहेगा क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा प्रभाव जो होगा चंद्रमा का वो पीड़ित होगा, तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए खराब हो जाएगी। वहीं देखा जाए तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी परेशानी चलेगी, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने की स्थिति में नहीं बनेंगे और आज आपका अपनी बातों से ही कहीं ना कहीं अपनी बातों पर आपको गुस्सा आएगा। खुद की बातों पर नो कॉन्टैक्ट में होंगे तो आपको खुद की गलती नजर आएगी कि आपने एक ऐसे व्यक्ति के साथ में धोखा किया, एक ऐसे व्यक्ति को जाने दिया जो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और इस बात का दुख आपको होगा। लव लाइफ में आपके बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। स्पेशली आपको शाम के वक्त में किसी थर्ड पार्टी को लेकर के या आपके पार्टनर के किसी पास्ट को लेकर के बहस और झगड़े हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम नजर आएगी, थर्ड पार्टी की वजह से झगड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं और आपको शाम के वक्त में उनका बिहेवियर भी बहुत खराब नजर आ सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं लेकिन शाम के वक्त में आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आने की स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं होंगी, अभी तो और स्थितियाँ खराब हो जाएंगी। लव लाइफ में आज के दिन कोई गिफ्ट उपहार मिल सकता है, गिफ्ट उपहार के साथ साथ आपको आज कोई बड़ा प्रॉमिस भी मिल सकता है। मैरिड लाइफ में आज आप किसी बड़ी कंफ्यूजन से निकल पाएंगे और कोई बड़ा निर्णय ले पाएंगे। अपने पार्टनर का किसी बड़े निर्णय में साथ भी दे सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सेल्फिश नजर आएंगे और जो नया रिश्ता शुरू हुआ है वो रिश्ता निश्चित रूप से टूटने की कगार पर पहुंच सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आपको जो व्यक्ति मिलने वाला है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करेगा जिस वजह से आपका ध्यान उधर और ज़्यादा खिंचेगा। बहुत सारी स्थितियाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में परेशानियों की दिख रही हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे, आपके मैसेज को, आपके कॉल्स को और शाम के वक्त में ऐसा ज़्यादा होगा, इस वजह से और ज़्यादा आपको परेशानी होगी। बहुत अधिक मात्रा में आपकी लव लाइफ में आज आपके पार्टनर बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जिससे आपका दिल दुखेगा, बहुत परेशान होंगे आप और मन भी अशांत रहेगा, लगेगा कि आप अकेले ही सही हैं क्योंकि आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं या वो आपको समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स को ज़्यादा महत्व देंगे और आपको इग्नोर करेंगे जिस वजह से आपको परेशानी होगी और आज के दिन किसी थर्ड पार्टी को लेकर के भी चर्चा हो सकती है जिससे मैरिड लाइफ खराब हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज अचानक से पार्टनर मुलाकात कर सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं। आज के दिन आपको कोई व्यक्ति मिल सकता है जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर बैठे,
बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति हो सकता है। आज के दिन आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आने की उम्मीद आपकी बढ़ सकती है और विशेष रूप से आपके लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत भी दिख रही है। फिर से गलत फहमियाँ दूर होकर के लव लाइफ में अच्छी स्थिति और अच्छी स्थिति में अपने रिश्ते को ले जाने की कोशिश की जा सकती है आपके द्वारा, आपके पार्टनर के द्वारा। मैरिड लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के कोई फैसला नहीं लेना है या कोई बात नहीं करनी है, नहीं तो उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर किसी पुरानी बात को लेकर के या जो आपके ऊपर उन्होंने जो भी हेल्प की, आपके ऊपर जो एहसान किया है, उसको बार बार जता करके बोल बोल करके आपको टॉर्चर कर सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आपको जो व्यक्ति मिलेगा वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसलिए उसके साथ आगे ना बढ़ें। और आज के दिन अगर कोई प्रपोजल मिले या किसी को प्रपोज करना हो तो आज के दिन बिल्कुल भी दिन सही नहीं है। आज के दिन आपके ब्रेकअप की स्थिति है लव लाइफ में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है। और मैरिड लाइफ में किसी थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर का किसी अफेयर इत्यादि है, बहुत गहरा अफेयर हो चुका है या गहरा रिश्ता किसी और के साथ बन चुका है, आज आपको ऐसा कुछ उनके बारे में पता लग सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले हैं और बात बात पर लड़ाई करने के लिए, ईगो दिखाने के लिए तैयार रहेंगे, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है और वो ज़्यादा आपको वादे करता है, प्रॉमिस करता है या कोई बड़ी बड़ी उम्मीदें दिखाता है, उन उम्मीदों पर, उन वादों पर, उन बातों पर भरोसा मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और उन बातों को लेकर के कोई सीरियस बात नहीं होगी और जो वो बात करेगा उस तरीके से आपको सीरियस लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें ऐसी होंगी जो झूठी होंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आज के दिन अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो झगड़े लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी और स्थितियाँ अच्छी नहीं होंगी। आज लव लाइफ में ओवर थिंकिंग की वजह से और बार बार शादी की बातें करने की वजह से या जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है, जो पार्टनर आपकी जो बात नहीं मान रहा है, उसी बात को बार बार दोहराने से मैरिड लाइफ, लव लाइफ में परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। मैरिड लाइफ में खास करके अपने पार्टनर की फैमिली का सम्मान कीजिएगा, गलती से भी कोई ऐसी बात मत बोलिएगा जिससे आपके पार्टनर को ये लगे कि आप उनकी फैमिली का सम्मान नहीं करते हैं। कहीं से भी अगर ऐसी बात बोली तो आपके झगड़े शुरू हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा, खास करके जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है पूरे दिन और बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं। थोड़ी बहुत शाम के वक्त थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, लेकिन लव लाइफ में बहुत सारी स्थितियाँ पूरे दिन अच्छी रहने वाली हैं और शाम के वक्त और अच्छी हो सकती हैं। बहुत अच्छी स्थितियों के साथ साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आकर के थोड़ी बहुत बहस हो सकती है। मैरिड लाइफ में आज अचानक से कहीं घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं और शाम के वक्त उसे प्रपोज भी कर सकते हैं, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। आज के दिन विशेष रूप से आपको अपने पार्टनर की, अपने एक्स पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो बहुत ज़्यादा आज आपको बार बार, आप ये तक है कि आप उन्हें मैसेज करने के लिए बार बार आपका मन करेगा, आप अपने आप को समझाएंगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लालच में आप ऐसा करेंगे, बहुत ज़्यादा आप चाह करके भी उनसे बात नहीं करना चाहेंगे। लव लाइफ में आज के दिन विशेष रूप से आपकी स्थितियाँ अच्छी हैं और आज कोई प्रॉमिस या कमिटमेंट आप जबरदस्ती अपने पार्टनर से ले सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और मैरिड लाइफ में आज थोड़े बहुत झंझट वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन दिन फिर भी काफ़ी अच्छा बीत सकता है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी भी प्रकार से किसी के साथ डेट पर ना जाएं या किसी को एक्सेप्ट ना करें, किसी को प्रपोज ना करें या कोई बड़ा निर्णय ना लें। आज के दिन लव लाइफ में झूठे वादे आपके पार्टनर करेगा, बहुत सारी झूठी बातें बोलेगा और ईगो बात बात पर दिखाएगा, कोई बात अगर नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर सकता है। आज के दिन मैरिड लाइफ में तकलीफ आपको हो सकती है, कुछ बातें समझने योग्य होंगी जो आपको समझनी चाहिए और कुछ बातों को इग्नोर करना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, इससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, अंदर ही अंदर आप घुटन महसूस कर सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं
मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको किसी भी प्रकार से दोस्ती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी नए व्यक्ति से मुलाकात नहीं करनी चाहिए, नए व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। अनजान व्यक्ति से बात करके आज आप फंस सकते हैं, और किसी अनजान व्यक्ति से अगर बात कर रहे हैं तो आज के दिन आपको कुछ उसकी असलियत पता लग सकती है, और उस असलियत को जान करके आप डर सकते हैं, आपको डर जैसा महसूस हो सकता है। विशेष रूप से आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आने के लिए स्थितियाँ आज के दिन नहीं बन पा रही हैं। आज के दिन बहुत ज़्यादा लव लाइफ में पार्टनर, फिजिकल रिलेशन इत्यादि को लेकर के बातें करेंगे, जिससे आपका दिन काफ़ी अच्छा बीत सकता है। मैरिड लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा जताएंगे, और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो उन्होंने अभी तक आपसे शेयर नहीं की हैं, या कोई बात आपसे छिपा रखी है तो आपसे शेयर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ चीट कर सकते हैं, कुछ बातें आपसे छिपा सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, किसी नए व्यक्ति से बातचीत हो सकती है, लेकिन दोस्ती इत्यादि के लिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा आज के दिन। विशेष रूप से फैमिली इत्यादि, आज कोई व्यक्ति अगर आएगा लाइफ में तो उसके साथ में फैमिली की तरह बातें होंगी, एक दूसरे के बारे में जानने की इच्छा होगी, और बहुत सारी बातें ऐसे करने वाला व्यक्ति जो आपको एक लंबे वक्त तक अपने साथ लेने की कोशिश करे, ऐसा कोई व्यक्ति आ सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। आज के दिन आपकी किस्मत से कह लीजिए कि आपका कोई बहुत लव लाइफ में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, या लव लाइफ में कोई कमिटमेंट भी आपको मिल सकता है। मैरिड लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर कोई बहुत पुरानी बात जो उन्होंने छिपा रखी वो आपसे शेयर कर सकते हैं, आपको भरोसा दिलाने के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर आपको टॉर्चर कर सकते हैं, और आपको बहुत बुरा भला बोल सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन बहुत ज़्यादा किसी के साथ में बातचीत करेंगे तो बहस और झगड़े हो सकते हैं, और समय और पैसे की बर्बादी हो सकती है। आज का दिन सबसे ज़्यादा आपको उदास और अकेलापन महसूस कराएगा। लव लाइफ में भी झगड़े तनाव होकर के नो कॉन्टैक्ट में जा सकते हैं। मैरिड लाइफ में अचानक से आपके पार्टनर आपके पास्ट के बारे में जानने की इच्छा जता सकते हैं, जिस वजह से परेशानी होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, कोई गिफ्ट उपहार ला सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों यह था आज का लव राशिफल। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।